A man was brutally beaten to death by cow with a large fire on the streets on Monday afternoon. Worse with the drought situation in the state. Woman was brutally assaulted by her neighbor in Na. Hi guys, this is Shilpa Rao and welcome to my old house. I was born here. There's so much nostalgia around here. I feel so good. I stayed here till I got my first break after three auditions. Three auditions? Can you imagine the struggle? But thanks to Karan Ganjawala for this film, I feel so blessed. You guys know what I mean, huh? But the life is so stressful. I can't even sleep. I have to travel in my Mercedes while I go to shoot, and that time I have to sleep. Oh my God. This is actual news. Struggle dekho. बच्ची का स्ट्रगल देखो. और तुम लोग क्या कर रहे हो? जर्नलिज्म? अमरावती में पानी नहीं आ रहा है. कोरोना रायते की तरह फैला है. मजदूर मैराथन दौड़ रहे हैं. झुना हो गया. एवरीवन नोस. कुछ नया ला हमें. तो संत कबीर, दोहे लिखने का टाइम गया. पर अगली बार किसान बिसान मर गए वर गए ऐसा कुछ भी लेके आया ना, तो कसम से किसान के किस्म की हालत कर दूंगा तेरी. फिक्रते रहना शूट तुम अकेले, क्योंकि तुम किसान बन गए तो सुसाइड कर लोगे. तो शूट कौन करेगा? शूट ये करेगा ना. शूट में करीना. करीना, दिस इज डेडिकेशन. ये इसे डेडिकेशन कहते हैं. करीना लाओ, तैमूर लाओ. नहीं, तैमूर जुना हो गया, वो नया आ रहा है, उस पर तैयारी करो. ये हाँ, सब इकट्ठा करो. दिस इज जर्नलिज्म. लेकिन सर, किसानों के सुसाइड, ये तो एक्चुअल इशू है ना. You are fired. बाकी कंपनियां चलती होंगी इलेक्ट्रिसिटी पर, लेकिन ये कंपनी चलती है टीआरपी पर. अगर टीआरपी होगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो तुम्हारी जेबें भरेंगी. अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें पैसे चाहिए या जर्नलिज्म? पैसा. जर्नलिज्म. आज शाम तक का वक्त है तुम सबके पास. अगर आज शाम तक मुझे मेरे चैनल के लिए टीआरपी नहीं मिली, तो मैं तुम सबकी आरआईपी कर दूंगा. गेट आउट. और सुनो, अब आपको दिखाता हूं असली इंडियन जर्नलिज्म. گفتی پیش کده خوده وقتی پنسر پای ما و لذت گلته که قم روزگار پوله هیچ نمه خوره او که قول میده پیش میره ریسک همه کنه نمه تانی بانی خوده جای ما وقتی فیریکای لش داره نست تایگا اینجا پر میشه گوشو از موزیکای نام خوده خم کدی بوله بازم پیش پای ما چیزی نمه کنه کامم نره تخت بیا ویشی جا از بابا تو هم پای میزه بس وقتی انگیزه هست نده تای میره هست من که پیش بودم شدم میچه کندی نست سیاست کاری ولی ایره با فوم افراز ریاضت گای دیجی یک دنه بش میرم لیاقت داری مرتفای کار ما رو دیدی بیا بچم پایینه میدی چینه میگه تایوانم بوله اندازه وزن تو فلو رایم دارم بگو کی شبی مهمانم بر چای بانم برو گرو پکتم بیار کدش کار دارم ای چی دمانه بی بی خرواره کلمه یک دنه میگیرم یار باس کو چوڑ میں بول تو دیا ابھی ٹی آر پی کدھر سے لاؤ हमारे पास एक ठो प्लान है. काम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन इसमें टीआरपी का पेड़ा है. अरे छोड़ देबू चोली तेन चपकौआ रंग दस लहंगा एक और लखनऊआ ओढ़नी लगावती या झलकौआ कुबूल अडने करते करते ठीक है. भैया यहाँ से करण गांजा वाले की गाड़ी जाएगी. एनसीबी ने बुलाया है पूछताछ के लिए. एनसीबी से पहले हम उनसे पूछताछ करेंगे.
वर्डिंग। तो गाइस जैसा कि हमें खबर मिली है कि एनसीबी ने बुलाया करण गांजावाला को पूछताछ के लिए। जी हाँ गाइस, करण गांज गिरी वाली गाड़ी, ड्राइवर ड्राइवर बगल में ले, गिरी वाली गाड़ी। तो गाइस आरआरटीवी एक्सक्लूसिव आपके लिए लाया करण गांजावाला की गाड़ी के बगल में। करण गांजावाला बताइए क्या आप गांजा लेते हैं? करण गांजावाला पूरे ब्रह्मांड को बताइए क्या आप गांजा लेते हैं? गुड़गुमर करते हो तुम ही तो बोले यार अंदर घुसो। अरे ऐसा कौन घुसता है, ठकठकाना तो चाहिए था ना, तमीज वमीज है कि नहीं तुमको? अच्छा छोड़ो, हमारे पास एक और प्लान। तुम रहने दो यार, तुम्हारा गाड़ी नहीं, इस बार सीधा घर में घुसते हैं और इस बार ठकठकाना, ठीक है? पक्का यही घर है ना? पक्का तो नहीं बोल सकता लेकिन श्योर हूं। चल ठीक है। तो हम हमारे दर्शकों से ये बताना चाहते हैं कि ये है एक सेलिब्रिटी का घर जिनका नाम आ सकता है इस केस में। आया नहीं अभी तक, आ सकता है। मैं बोला क्या, पूछ के लेता है, अभी बाद में हो गया, नाम भी मांगा तो बहुत गर्दी हो जाएगा इसके लिए। सर आप लेते हो क्या? What? सर ड्रग्स लेते हो क्या? सर आप लेते हो क्या? Yeah, boy. तकलीफ क्या है? तो हमें पता चला है कि आप करण गांजावाला से इंस्पायर होकर यहाँ पे किटी पार्टी करके कोकेन वोकेन तो नहीं ले रहे हो ना? Listen to me, you ugly poop. I don't do cocaine. I'm always high on cocaine, bro. Bro, so bro, do you take any mal, bro? You know mal? I don't do mal, bro. I only do Marlboro. I'm savage. ये बबलू माल बोला रिकॉर्ड कर। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने एक्सक्लूसिवली आर आर टीवी पे कन्फेस किया है कि ये माल लेते हैं। बताइए क्या आप ड्रग्स लेते हैं? लेते हो ना जज से बोल रहा हूँ, समझ जा। बार बार एक ही सवाल पूछेगा, जवाब चेंज नहीं होएगा। निकल इधर से। हाँ साला, प्राइवेसी और पायरेसी में कोई फर्क रखा नहीं है, कोई भी घुसे आ रहा है।
आयला तेरी माँ को धूप लगे धूप नहीं 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 हाँ ये वाला ओए व्हाट यू थिंकिंग अबाउट गेट आउट यू भास्कर कचब बेइज्जती है यार लाना ही नहीं चाहिए था यार अबे एनसीबी को नहीं बता रहे इधर तुमको क्या बताएंगे रे सुना ना अबे डाल देते हैं पक्का डाल I take a bamboo. I oil it up. Smooth. I take a rope and tie it with my left hand. While he eats cleanly with his right. One more, baby. That was a good shit. Today is my day, baby. Let's do one more. Damn, that was a good shit. Today is my day, baby. Let's go. भाई, भयंकर नशे चल रहे हैं. तेरे को बता रहा हूँ. अबे सुन बे पता नहीं कौन सा आटा सूंघ रहा है इसका वीडियो लेके बॉस को भेजते फिर तो बॉस पे TRP मुतेंगे तू विमल पाव खा मैं वीडियो मारता हूँ साला DJ मंडल की औलाद I'm gonna do what's called a pro gamer move. Yeah, boy. Huh? Got you, homie. I'm about to end this man's whole career. Easy. आ गया. अभी इसका वोकेन निकलेगा. भाई ये किसके घर में डाल दिया बे अरे तुमने तो बोला था डालने को हमने डाल दिया लेकिन किधर लगता है पड़ोस के घर में घुस गया ये भाई ये लड़का ओके सुन अभी ये वीडियो बॉस को दे देते हैं TRP का TRP मिलेगा और ये एक इशू भी है फोन घुमाओ का हेलो बॉस हाँ ये करण गांजा वाला तो नहीं मिला लेकिन ना उसके जैसी एक न्यूज मिली है क्या ये एक हस्बैंड ना अपनी बीवी को हरास कर रहा था तो हमने उसका वीडियो निकाल लिया और सेलिब्रिटी हरास हो रही थी नहीं सेलिब्रिटी तो नहीं थी
वो अपना वोकेश है ना, उसकी पड़ोसी थी, वो हरास हो रही, तो तू उसका हमने वीडियो ले लिया। अरे अगर सेलिब्रिटी हरास हो रही है तो वो न्यूज है, नॉर्मल लोग से थोड़ी ना टीआरपी मिलेगी। इंडिया में हर साल 3.5 लाख लड़कियां हरास होती है, सबका थोड़ी दिखाएंगे, लेकिन सेलिब्रिटी कितनी हरास होती है? हिसाब लगाओ और बताओ कहां टीआरपी मिलेगी। अच्छा ये सब छोड़ो, एक काम करो, माउंट मेरी चर्च के पास राहुल खन्ना बाइक से गिर गया है, सब मीडिया वाले वहां पहुंच गए, तुम भी पहुंचो। चलो तुम्हारे टीआरपी का पेड़ा खाने। अबे ये पैसा किसी के दर्द से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या? देख अगर तेरे दर्द से किसी को पैसा मिल रहा है ना तो वो दर्द ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर साला जर्नलिज्म होता क्या है बे? कितना सवाल पूछ रहा है बे, कॉलेज विलेज गया कि नहीं तू? देख जितना मैंने पढ़ा है जर्नलिज्म इज अनबायस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी लग रहा है जिसने लिखा है उसने गलत लिखा है। चलो बैंडेड भी खरीद ही लेते हैं खन्ना साहब के लिए।